हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द चित्रा साइंस हब टुडे वी विल डिस्कस सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्वेश्चन नंबर वन ग्रिगनाड रिएजेंट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रेस इथाइलिथर एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स गुड सोर्सेस ऑफ न्यूक्लियोफाइल और डी ऑल ऑफ द अबाव तो ये सारे ऑप्शन सही हैं तो इसका सही आंसर है डी सेकेंड क्वेश्चन विच स्टेटमेंट अबाउट ऑर्गेनोमेटलिक कम्पाउंड इज फॉल्स ऑर्गेनोमेटलिक कम्पाउंड के बारे में कौन से स्टेटमेंट गलत है फर्स्ट द मेटल कार्बन बोन्ड इज हाईली पोलराइज मेटल कार्बन बोन्ड जो होता है वो पोलराइज होता है सेकेंड ऑर्गेनोमेटेलिक मेटल कार्बन बोन्ड्स मेटल कार्बन बोन्ड्स होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर ये स्टेटमेंट भी सही है थर्ड दे आर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ कार्बन न्यूक्लियोफाइल्स क्या वो कार्बन न्यूक्लियोफाइल्स के सोर्स होते? हाँ, होते हैं हाँ वो कार्बन न्यूक्लियोफाइल्स के सोर्स होते हैं फोर्थ दे आर इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोफाइल्स तो जो डी स्टेटमेंट है ये गलत है वो न्यूक्लियोफाइल के सोर्स होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स के सोर्सेज नहीं होते तो इसका सही ऑप्शन है डी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड सॉल्वेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिगनाड रिगनाड प्रपरेशन के लिए कौन सा इनमें से शूटेबल सोल्वेंट नहीं है फर्स्ट हेगेइन सेकेंड डाइथाइलीथर थर्ड टीएचएफ फोर्थ वाटर इसका सही ऑप्शन है फोर्थ डी जो है वाटर चूँकि वाटर जो है हमारा एक पोलर सोलवेंट है और बाकी जो है हमारे ये सारे जो है वो नॉन पोलर सोलवेंट है तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज जी फोर्थ ऑर्गेनो मैगनीजियम कंपाउंडस आर ऑर्गेनो मैग्नीशियम कम्पाउंड्स क्या होते हैं हमारे ए एसिड्स बी बेसिस सी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और डी सोलवेंट्स तो इसका सही आंसर है बी ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड जो होते हैं हमारे वो बेसिस होते हैं नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन स्टेटमेंट्स इनमें से कौन सेल ग्रुप्स ऑफ एल्टीड्स एंड कीटोन जो अल्काइल रिएजेंट्स होते हैं वो कार्बोनियल ग्रुप्स के साथ एड होते हैं ये स्टेटमेंट हमारी सही है सेकेंड ग्रिगनाड रिए ग्रुप्स ऑफ एल्टीहाइड्स एंड कीटोन स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि रिएजेंट भी हमारे एल्डिहाइड्स और किटो के साथ ऐड होते हैं सही स्टेट थर्ड स्टेटमेंट है अलकाई लिथियम एंड रिएजेंट डू नॉट ऐड टू टूस्टर्स ये स्टेटमेंट हमारी गलत है दोनों हमारे अलकाई लिथियम और ग्रिगनाड रिएजेंट दोनों ही हीस्टर्स के साथ ऐड होते हैं फोर्थ स्टेटमेंट है रिएजेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ईथर और तो यह स्टेटमेंट भी सही है तो इसका जो सही आंसर है दैट इज सी सी वाली स्टेटमेंट स्टेटमेंट हमारी गलत है नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रिगनाड रिएक्ट विद कार्बोनिल ग्रुप्स टू प्रोड्यूस कार्बोनिल ग्रुप्स के साथ जब ग्रिगनाड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं वो आपके एल्कोहल्स बनाते हैं तो इसका सही ऑप्शन है सी दैट इज एल्कोहल्स नेक्स्ट सेवन द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ ग्रिगनाड एन एल्डिहाइड इज जब एल्डिहाइड ग्रिगनाड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है कौन सा एल्कोहल बनाता है वन डिग्री टू डिग्री या 3 डिग्री या कीटोन तो इसका सही आंसर है बी दैट इज 2 डिग्री अल्कोहल नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एन एस्टर इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा एस्टर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल और कीटोन तो इसका सही ऑप्शन है सी दैट इज 3 डिग्री अल्कोहल ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एस्टर के साथ रिएक्ट करके टर्शियरी अल्कोहल बनाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 एलाइल लिथियम उन् हाइड्रोलाइसिस गिव्स जो एलाइल लिथियम होते हैं वो हाइड्रोलाइसिस से क्या देते हैं एलाइल अल्कोहल डाइलाइल प्रोपीन या वन फाइव हेक्साडाइन तो इसका सही आंसर है सी दैट इज प्रोपीन नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ इथर आर अटैच्ड विद एम जी इन ग्रिगनाड रिएजेंट ग्रिगनाड रिएजेंट में इथर के कितने मोलिक्यूल मैग्नीशियम के साथ अटैच रहते हैं तो दो मोलिक्यूल अटैच रहते हैं इसलिए इसका सही आंसर है बी नेक्स्ट क्वेश्चन विच बोंड इज प्रेजेंट इन ग्रिगनाड रिएजेंट बिटवीन मैग्नीजियम एंड ईथर मैग्नीशियम और ईथर के बीच में किस तरह का बोंड होता है ग्रिगनाड रिएजेंट के अंदर तो इनके अंदर कोर्डिनेट बॉन्ड होता है तो इसका सही ऑप्शन है सी नेक्स्ट मिथाइल लिथियम रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म मिथाइल लिथियम जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट बनाता है ये जो है आपका एसिड्स बनाता है तो इसका सही आंसर है एसिटिक एसिड नेक्स्ट थर्टीन क्वेश्चन विच वन इन इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इनमें से कौन सा हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है सी एच थ्री का होल टू आई सी ए सी का होल टू आई सी ए सी होल 4 पी बी तो जो फोर्थ है हमारा ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है तो इसका सही आंसर है डी नेक्स्ट रिएक्शन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड इथाइलिन ऑक्साइड गिव्स जब आपका मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इथाइलिन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है वो आपका प्रोपेनोल बनाता है सही आंसर है इसका बी नेक्स्ट 15th क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स इसमें से कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपका नहीं है फर्स्ट CH3 होल 2 Mg सेकंड C6H5 MgBr थर्ड CH2OMg फोर्थ है सी एच थ्री होल टू एच जी तो इसका सही आंसर है सी सी एच टू ओ एम जी एक हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है बाकी तीनों हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स इनमें से कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है फर्स्ट टेल सेकेंड सी थर्ड सी एच थ्री सी और D है none of these. तो इसका सही आंसर है A, जो है जो आपका ये है

कार्बन डाइऑक्साइड जब हल्का लिथियम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है तो आपका ये अगेन एसिड्स बनाता है तो इसका सही आंसर है डी नेक्स्ट नाइनटीन क्वेश्चन ऑर्गेनोमेटलिक कम्पाउंड फॉर सिंथेटिक हैव बीन यूज एज ऑर्गेनो मैगनीजियम हेलाइट्स आर कॉल्ड जो हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है सिंथेटिक परपज के लिए यूज़ होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनो मैगनीजियम हेलाइट्स कहते हैं तो इनका हमारा दूसरा नाम क्या है तो उसे हम ग्रिगनाड कहते हैं। तो इसका सही आंसर है बी ट्वेंटी क्वेश्चन द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विध ग्रिगनाड गिव्स जब हमारा ग्रिगनाड रिएजेंट इनिशियली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है तो ये आपका मैग्नीशियम साल्ट बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है लेकिन जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनती है बीच की जो जो प्रोडक्ट बनती है वो मैग्नीशियम साल्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का तो इसका सही आंसर है ए नेक्स्ट ट्वेंटी वन एल्काइल हेलाइड्स कैन बी कन्वर्टेड इन टू ग्रिग्नाड रिएजेंट्स बाय एल्काइल हेलाइड्स को एल्काइल हम जो है कैन बी कन्वर्ट इन टू ग्रिगनाड बाय

विच इज न क्या नहीं है ए मिथाइल ग्रुप होता है सी हेलोजन हेलोजन भी प्रेजेंट होता है डी है. है आपका काबॉक्सिली ग्रुप तो ग्रिगनाड रिजेंट के अंदर काबॉक्सिली ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता तो इसका सही आंसर है डी नेक्स्ट ट्वेंटी थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रिगनाड रिएज फॉल्स इनमें से कौन से false है फर्स्ट ग्रिगनाड रिएजेंट एड्स टू कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स एंड किटोन बिल्कुल सही वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़ता है ग्रिगनाड रिएजेंट दूसरा द आर ग्रुप इन ग्रिगनाड रिएजेंट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल ये स्टेटमेंट हमारी गलत है क्योंकि ग्रिगनाड रिएजेंट के अंदर जो आर ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह नहीं आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है थर्ड ग्रिगनाड रिएजेंट आर प्रिपेयर्ड इन ईथर और एच एफ बिल्कुल सही ग्रिगनाड रिएजेंट जो होते हैं वो जो है जो टी एच एफ या आपका इथरिया जो है टी एच की प्रेजेंस में बनाए जाते हैं फोर्थ ग्रिगनाड रिएजेंट आर डिकम्पोज बाय वाटर एंड एल्कोल वो डिकम्पोज होते हैं वाटर एल्कोल से ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है तो गलत स्टेटमेंट कौन सी है बी वाले चूँकि ग्रिगनाड रिएजेंट के अंदर जो आर ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह नहीं न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है नेक्स्ट ट्वेंटी फोर्थ ग्रिगनाड रिएजेंट में बी मेड बाई रिएक्टिंग मैगनीजियम विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ग्रिगनाड रिएजेंट जब हम बनाते हैं तो मैग्नीशियम को हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं ए मिथाइल एमीन बी डाइथाइलीथर सी इथाइल आयोडाइड और डी इथाइल एल्कोहल तो इसका सही आंसर है सी दैट इज इथाइल आयोडाइड नेक्स्ट ट्वेंटी फिफ्थ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव अ प्राइमरी एल्कोहल अपॉन रिएक्शन विद फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसमें से कौन सा है जो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करके प्राइमरी एल्कोहल बनाता है तो इथाइलिन ऑक्साइड हमारा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करके प्राइमरी अल्कोहल बनाता है तो सही आंसर है इसका बी नेक्स्ट ट्वेंटी फॉलोइंग कम्पाउंड वुड नोट गिव टर्शरी ब्यूटाइल ट्रीटेड विद एक्सेस मिथाइल मैगनीजियम ब्रोमाइड इनमें से कौन सा है जो मिथाइल मैगनीजियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करके टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं बनाएगा ए एसिटाइल क्लोराइड बी एसिटल डिहाइड सी मिथाइल एसिटेड डी एसिटिक एसिटिकाइड तो इसका सही आंसर है बी एसिटल डिहाइड एसिटल डिहाइड आपका जो है ब्यूटाइल अल्कोहल नहीं बनाएगा नेक्स्ट रिएजेंट इज नोन एज रिएजेंट्स को क्या कहते हैं रिफॉर्मेटस की इनोलेट्स कहते हैं तो इसका सही आंसर है ए नेक्स्ट ट्वेंटी एट मिथाइल आयोडाइड रिएक्ट्स विद लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सेन इट गिवस मिथाइल आयोडाइड हमारा लिथियम के साथ रिएक्ट करता है हेक्सेन के प्रेजेंस में तो क्या बनता है मिथाइल मिथाइल लिथियम बनता है तो इसका सही आंसर है सी नेक्स्ट ट्वेंटी नाइन्थ एंड लास्ट क्वेश्चन मिथाइल लिथियम रिएक्ट्स विद वाटर इट गिव्स जब मिथाइल लिथियम हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है वो एंड प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें मिथेन और लिथियम हाइड्रोक्साइड ऑप्टेन होती है तो इसका सही आंसर है बी ये थे हमारे जो है ऑर्गेनो मेटालिक पाउंड्स के ऊपर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे लिंक पे क्लिक कीजिएगा आपको वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा थैंक यू